दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। बिहार के चुनावी नतीजे देश के सामने हैं। एनडीए फिर सत्ता पर काबिज होने जा रहा है और समझा जाता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उसकी सीटें अधिक आवें या कम आवें, नीतीश कुमार ही उसके चेहरा होंगे मुख्यमंत्री पद के लिए और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी अगर एनडीए चुनाव जीतता है। तो ये बात बीजेपी ने कह दी। अब इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी सबसे बड़ी लूजर है अगर देखा जाए संख्या के हिसाब से, समर्थन के हिसाब से, और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज की है तेजस्वी यादव की पार्टी, और उससे एक सीट कम जो है भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक बड़ी गेनर है, उसको काफी बड़ा फायदा हुआ है। जितनी क्षति हुई है जेडीयू की, उसके मुकाबले बीजेपी को काफी फायदा पहुंचा है। आरजेडी पिछले दफा के मुकाबले सीटें जरूर कम पाई है, लेकिन उसने अपना आधार पुख्ता किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तेजस्वी एक नेता के रूप में बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर जरूर इमर्ज किए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी आज एक बड़ा सवाल है कि अगर तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल और तीन वामपंथी दलों और कांग्रेस का ये गठबंधन जब पूरे चुनाव प्रचार के दौरान काफी बेहतर परफॉर्म करता नजर आ रहा था, उसके समर्थन में काफी बड़ा जन जुटाव था, जबरदस्त गैदरिंग हो रही थी उसकी रैलियों में और लोग मुखर थे। ऐसा नहीं है कि लोग केवल रैली में तमाशबीन बनकर आ रहे थे, वो मुखर थे, इन्वॉल्व थे। फिर भी उस खेमे को समर्थन क्यों ज्यादा मिल गया जिसकी रैलियों में न तो भीड़ आ रही थी और न मुखर होकर इन्वॉल्व होकर भीड़ जो है सामने दिखाई पड़ती थी, कुर्सियां खाली रहती थी, लोग नाराज दिखते थे, लोग उटपटांग बातें बोलते थे एनडीए के लिए, एनडीए के नेताओं के लिए, खासकर जब टेलीविजन वाले जाते थे बात करने। तो फिर भी ये जीत और ये हार, इसका क्या मतलब है? हम सबसे पहले लेंगे आरजेडी के मामले में जो महागठबंधन है, आखिर उसके प्रमुख क्या कारण थे कि वो इस चुनाव में उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाया जितना उसको करना चाहिए था? वो तीन बड़े गड्ढे क्या हैं जहां पर महागठबंधन गिरा, जिसकी वजह से आज वो सत्ता पर काबिज नहीं होता नजर आ रहा है? वो मुझे लगता है कि पहला जो गड्ढा था दोस्तों, वो था कांग्रेस को दी गई 70 सीटें। कांग्रेस पार्टी सच्चाई यह है कि 35-40 सीटों से ज्यादा बिहार में लड़ने लायक पार्टी नहीं थी, और उसमें भी उम्मीदवारों का फैसला महागठबंधन के नेतृत्व को तय करना चाहिए था कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर। दूसरा जो बड़ा गड्ढा था वो था जो वीआईपी पार्टी, जो मुकेश सहनी की पार्टी है, मैं मांझी की पार्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं आरजेडी या महागठबंधन के लिए, वीआईपी पार्टी का उसका उसके साथ रिश्ता खत्म होना और भारतीय जनता पार्टी के साथ जा मिलना, उसको मुझे लगता है महागठबंधन से जाने देना। और वो भी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अचानक चले गए थे जब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अनाउंसमेंट के लिए, तो वो मुझे लगता है एक बड़ी भूल थी। और तीसरी जो मुझे लगता है कि बड़ी गलती, कि आरजेडी का सारा जोर जो था, मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार के खिलाफ था, उनकी पार्टी या उनके सरकार या जेडीयू के। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जो कम्युनल कार्ड खेला, जो उसने तमाम राष्ट्रीय जनता दल के पुराने अतीत को लेकर जितने अटैक किए, उस पर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनआरसी से लेकर और तमाम अन्य मुद्दों पर वो लगभग खामोश था राष्ट्रीय जनता दल। ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के खिलाफ बोलना नहीं उतना पसंद किया उसने जितना कि जेडीयू पर, और यही चिराग पासवान की स्थिति थी, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार पर लगे रह गए
और बीजेपी का ऐसा लगता था कि वो पक्ष ले रहे हैं। तो ये भी एक कारण था कि ईबीसी यानी एक्सट्रीम जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, जो महादलित है, उसके बीच में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपनी जगह बनाने की एक मोहलत मिल गई। और नीतीश कुमार जिनकी पार्टी को 31 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा था, वो उन्होंने अपनी स्थिति थोड़ी सुधार ली, वरना उनकी और भी बुरी स्थिति होती जिस तरह की स्ट्रेटजी बीजेपी ने बनाई थी उनको मिनिमाइज करने के लिए। तो दोस्तों, जो मैंने ये तीन गड्ढे गिनाए जिसकी वजह से महागठबंधन की जो गाड़ी है वो गिर गई और पटरी से उतर गई और उसको सत्ता नहीं मिली, उसमें कांग्रेस की 70 सीटों का मामला तो है ही है, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो एक धारणा है कि महागठबंधन के खासकर जो सबसे बड़े घटक राष्ट्रीय जनता दल है, उसने अपनी उम्मीदवारी जो है, अपने जो उम्मीदवार तय किए थे बड़े शानदार तय किए थे, लेकिन अभी मैं जब इलेक्शन कमीशन के आंकड़े देख रहा हूं और उसमें जो हारे हुए बहुत सारे उम्मीदवारों का की कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जब मैं आकलन कर रहा हूं, तो पा ये रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने कई अपनी सीटें सिर्फ इसलिए गंवाई हैं कि वहां पर उनका जो उम्मीदवार था उस क्षेत्र की सामाजिकता, उस क्षेत्र की जो लोगों की आम चाहत है उसके विपरीत था। और कई जगह तो इतना ज्यादा भाई भतीजावाद था कि उसकी वजह से जो एस्पिरेशंस थे बहुत सारे संगठन के जुझारू कार्यकर्ताओं का, उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। अब उदाहरण के तौर पे मैं ज्यादा मैं संख्या नहीं बता सकता, लेकिन और क्योंकि उसमें वक्त लग जाएगा, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प वाकया है कि एक केंद्रीय राज्य मंत्री जो पूर्व में रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं, अब उनके एक भाई को भी टिकट दिया आरजेडी ने और उसके बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी बेटी को भी दे दिया। एक ही परिवार के दो लोग चुनाव लड़े, काफी बड़े नेता माने जाते हैं, लालू प्रसाद जी के बड़े वो नजदीकी रहे हैं, अब वो दोनों चुनाव हार गए। हमने जब पता किया तो हमें जो जानकारी मिली कि चूंकि उस क्षेत्र में स्वयं उनके समाजों के लोगों में भी इस बात को लेकर नाराजगी थी कि एक ही परिवार के दो दो लोग क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी इतनी भारी संख्या में। ये ठीक है कि मान लीजिए किसी एक परिवार के दो लोग कहीं जीत गए कि नहीं कारणों से, लेकिन अगर इसको पैटर्न आप जिलावार बनाएंगे तो मुझे लगता है कि उसका नुकसान झेलना पड़ेगा और ये नुकसान सामने दिखाई पड़ा इस बार राष्ट्रीय जनता दल को। दोस्तों, इसके अलावा मैं समझता हूं कि जो बार बार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारे जो हमले राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति को लेकर, महागठबंधन में वामपंथियों से ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल पर जो एक अटैक लगातार बीजेपी के नेताओं ने किया, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर ने किया, उसका जो एक माकूल जवाब मिलना चाहिए था या एक माकूल जो एक दलील के साथ, एक ठोस तथ्यों के साथ जो बात सामने लाई जानी चाहिए थी, इस पूरे इलेक्टोरल कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में वो डिस्कोर्स सामने बिल्कुल नहीं आया। और तीसरी जो बात, जो बहुत महत्वपूर्ण बात, कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, कोरोना दौर में प्रशासन की तरफ से उनको जो भी चीजें आवंटित की गई आर्थिक सहूलियतें, उसमें नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का नाम बार बार लिया गया और प्रधानमंत्री, ऐसा लगता है कि गरीबों के बीच में एक मैसेज दिया गया कि उनको कोरोना दौर में जो भी सहायता मिल रही है दरअसल वो प्रधानमंत्री के कारण मिल रही है। इसका जो महाविपक्षी ये गठबंधन है, महागठबंधन, उसने मुझे लगता है कि लोगों में अपनी बात को नहीं रखा, जिसकी वजह से राष्ट्रीय जनता दल को कई क्षेत्रों में काफी बड़ा घाटा हुआ, क्योंकि अति पिछड़े वर्ग में नीतीश कुमार का जो जलवा है वो लगभग कायम था। अगर कायम न होता तो उनकी सीटें वाकई और कम हो जाती, जिस तरह चिराग पासवान लगातार उनके खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, और बीजेपी भी यही चाहती थी कि उनकी सीटें और कम हो जाएं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने अगर अपनी सीटों को बचाने में कामयाबी हासिल की थोड़ी बहुत तो उसमें उनका ईबीसी जो बेस है और जो महादलित बेस है उसका जरूर एक हिस्सा इंटैक्ट रहा, एक बड़ा कारण यह है। अब बिल्कुल अंत में दोस्तों मैं कहूंगा कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में विपक्ष की क्या भूमिका है, बिल्कुल संक्षेप में वो बस यही हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि बड़ी ताकत के रूप में इमर्ज किया है इस समय बिहार में, तो अगर वामपंथियों, राष्ट्रीय जनता दल का, कांग्रेस का ये गठबंधन
अगर सिर्फ चुनावी गठबंधन न रहकर डे टू डे लाइफ में अगर लगातार नियमित रूप से सक्रिय होता है एजेंडे के साथ, अपने तथ्यों के साथ, अपने 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 मुद्दों के साथ, वही एक ऐसी ऐसा तरीका हो सकता है जिससे इस राजनीति को एक रिलेवेंस मिले और इसको ताकत मिले। इन शब्दों के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.